नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं 21 सितंबर के लिए व्यू दे रहा था और पार्ट एक्चुअली वो वीडियो टाइम ख़त्म हो गया, तो इसीलिए पार्ट टू बना रहा है, इसको कंप्लीट करना है। तो इसको देखिए, ये अभी तक और भी कुछ स्क्रीनिंग कर लेता है। देखिए नेगेटिव चेंज इन प्राइस हो गया, नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम को कर लेते हैं। नेगेटिव चेंज इन में पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम प्राइस इनकी जो है, नेगेटिव चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम, मतलब प्राइस का कम होने के साथ ये तीनों आप लोग नोट कर सकते हैं। इसका वैल्यू आप लोग, इसका टारगेट आप लोग नोट कर सकते हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स आप लोग नोट कर सकते हैं इधर से। और इधर चार्ट पे दिखाता हूँ आप, ये देखिए इधर मैंने ये में 926 क्रॉस ओवर दिखाया, ये आप लोग वैल्यू चेक कर सकते हैं। ये में 5 लिस्ट का मूविंग एवरेज पैराबोलिक सर ये सब देखिए, प्राइस चैनल ये लोअर बैंड है, ये लोअर बैंड का नज़दीक है, ये सब का वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हैं। स्टोकास्टिक RSI और ADX देखिए सब नीचे है। ऑप्शन चेन में देखिए, ये इधर इसका रेजिस्टेंस है, सॉरी ये इसमें इसका इस प्राइस में 1900 में इसका रेजिस्टेंस है, और इधर ये इसका लॉन्ग लिक्विडेशन हुआ, उसके ऊपर इसको शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है, मतलब नेगेटिव चेंज इन प्राइस, नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये इधर पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, नेगेटिव चेंज इन प्राइस। और इधर देखते हैं, ये देखिए इधर 1800 में इसका सपोर्ट बना है, इधर इधर पॉजिटिव चेंज ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव चेंज इंक्रीजिंग प्राइस विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है पुट साइड में, और इधर कॉल साइड में इधर लॉन्ग लिक्विडेशन और शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और कॉल ऑप्शन भी PCR रेशियो भी बहुत कम है। देखिए इधर पुट साइड में और कॉल साइड में उधर बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट 1/4 मतलब 0.25 के आसपास कुछ कॉल लिक्विडेशन हो सकता है, तो मतलब प्राइस गिरने का चांस है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।